Hello children, today will be study environmental studies P. आज हम environmental study में पढ़ेंगे animal shelters and animal sounds. Okay? Animal shelters क्या होते हैं, जहाँ पे animal रहते हैं उनके घर को क्या बोलते हैं, shelter बोलते हैं. Okay? यहाँ पे write किया हुआ है ना, some animals can't build their own shelter. कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपना घर नहीं बनाते हैं. ओके, सो मैन बिल्ड शेल्टर फॉर देम, तो हम लोग उनके लिए घर बनाते हैं. दिस आर कॉल्ड मैन मेड शेल्टर्स. मैच द फॉलोइंग एनिमल्स टू देयर सेंटर्स. ओके, यहाँ पे एनिमल्स दिए हुए हैं और यहाँ पे उनके शेल्टर्स दिए हुए हैं, उनको हमें मैच कराना है. काऊ कहाँ पर रहती है, वेयर लिव्स काऊ, काऊ शेड में रहती है. ओके, तो हमको इसको ऐसे मैच कराना है. हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल में रहता है, तो हम इसको ऐसे मैच कराएंगे. काऊ डॉग कहाँ रहती है, कैनॉल में, तो इसको हम मैच कराएंगे. ओके, यहाँ पे दिया है सम एनिमल्स बिल्ड देयर ओन शेल्टर्स, ट्रेस द नेम आर देयर शेल्टर्स. ओके, कुछ एनिमल्स बर्ड्स होती है जो अपना शेल्टर खुद बनाते हैं, उन यहाँ पर दिया है, डॉट को ट्रेस करेंगे और बस. जैसे ये बर्ड है, बर्ड क्या करती है, बर्ड अपना नेस्ट खुद ही बनाती है, और ये हनी है, इस जहाँ रहती है उसको क्या बोलती है, हनी कॉम बोलते हैं, तो ये अपना छत्ता खुद ही बनाती है. ओके, तो डॉट को ट्रेस करिएगा, इनको आप मैच करके लर्न करिएगा कि कौन से एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं. ओके, नेक्स्ट पेज भी दिया है एनिमल शेल्टर्स. मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद देयर होम्स. ओके, कौन से एनिमल्स कहाँ रहते हैं, मैच कराना है. आंट कहाँ रहती है, आंट हिल में रहती है. ओके, तो इसको मैच कराएंगे आंट हिल से. लॉयन कहाँ रहता है, डैन में रहता है, तो लॉयन को हम डैन से मैच कराएंगे. एलिफेंट कहाँ रहता है, फॉरेस्ट में. ओके, यहाँ मैच कराएंगे हम. यहाँ पे दिया है सम एनिमल्स कैरी देयर होम्स ऑन देयर बैक, कलर दिस एनिमल्स. कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपना घर अपने साथ मतलब अपने लेकर चलते, जैसे टर्टल है, टर्टल को जो छुपना रहता है तो अपनी लेग्स और अपने नेक को अपने बैक में छुपा लेता है. ओके, ऐसी स्नेल भी है, स्नेल भी अपनी बॉडी को इसके अंदर छुपा लेता है. ओके, तो इसको हम कलर करेंगे. अब आते हैं एनिमल साउंड्स. डिफरेंट एनिमल्स मेक डिफरेंट साउंड. ओके, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विथ देयर साउंड दे मेक. एलिफेंट, लायन, गोट, बर्ड, इनके साउंड क्या है उसको मैच करेंगे. एलिफेंट क्या करते हैं, ट्रम्पेट करता है. ओके, तो यहाँ पे इसको हम मैच कराएंगे. लॉयन रॉर, गुर्राता है ना, लॉयन क्या करते हैं, रॉर करता है, इससे मैच कराएंगे. और घोट क्या करती है, ब्लीड, मिमियाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लीड, उसको मैच कराएंगे हम यहाँ पे. बर्ड क्या करती है, चहचहाती है, चिप करती है. ओके, तो इसको हम यहाँ पर मैच कराएंगे. आते भी नेक्स्ट पेज पे, यहाँ पे भी दिया है एनिमल साउंड्स. मैच द फॉलोइंग एनिमल्स विद द साउंड दे मेक. ओके, कैट, डॉग, हनी, डंकी. कैट क्या करती है, म्याऊ म्याऊ करती है ना, जिसको मैच कराएंगे हम. और डॉग क्या करते हैं, बार्क करता है, भौंकता है, यहाँ मैच कराएंगे. हनी क्या करती है, बिज करती है, बज, भिन भिनाती है ना, यहाँ पे. और डोंकी क्या करते हैं, ब्रे, तो उससे मैच कराएंगे. ओके, ये सारी एक्सरसाइज आप केयरफुली अपनी बुक में करिएगा और स्कैन करके हमें ग्रुप में सेंड करिएगा. ओके, बाय.